दोस्तों तीन बड़ी खबरें हैं जिससे ट्यूसडे के दिन मंगलवार को जो है जब मार्केट ओपन होगा तब यस बैंक पे एक काफी ही बड़ा धमाका होने वाला है, काफी ही पॉजिटिव असर दिखने वाला है। वो कौन सी तीन खबरें हैं ये हम वन बाय वन जानेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है। जो पहला वीडियो है वो पूरे कोर्स के बारे में ही है, साथ में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में भी है। आप वहां पर जाइए और उस डिटेल को आप देख सकते हो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं कोर्स की डिटेल डालता रहता हूँ। साथ ही में जितने वीडियोस के अपडेट हैं वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली जो खबर है जिससे ट्यूजडे के दिन यस बैंक पर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होने वाला है, एक पॉजिटिव लहर आने वाली है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यस बैंक को ऑक्शन के लिए अलाउ कर दिया है। अभी कौन सी ये जो लैंड है जिसको ऑक्शन के लिए अलाउ किया है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यस बैंक में इतने सारे घोटाले हुए हैं, जो पहले का मैनेजमेंट था इतना ज्यादा करप्ट था कि उन्होंने ऐसा लगता कि दोनों हाथ फैलाकर हर किसी को लोन दिया है और ना लेने का वादा भी कर दिया है। उसी लिस्ट में दोस्तों ये नाम भी शामिल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर जो थे मलविंदर सिंह एंड और उन्हीं के भाई शिवेंद्र सिंह, इनकी जो जमीन है, इनका जो लैंड है, उसको जो है नीलाम करने के लिए यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। और तकरीबन तकरीबन मान के चलिए जो उसकी कीमत है वो है 1065 करोड़ के पास में। ये जो लैंड है दोस्तों ये एग्रीकल्चर लैंड है और तकरीबन तकरीबन 12 बीघा जो है टोटल एरिया जो है उस लैंड का है, जिसे कि ऑक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पूरी डिटेल के लिए दोस्तों आप इस न्यूज को रिफर कर सकते हो, लेकिन मेन यह है कि यहां से 1065 करोड़ रुपए जो है यस बैंक को मिलेंगे, ये काफी ही अच्छी बात है। दोस्तों ये थी पहली खबर, मेन जो है यस बैंक को इतना अच्छा पैसा मिल रहा है वो जो है एक पॉजिटिव खबर लेकर आ रही है यस बैंक के लिए। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही अच्छा यस बैंक के लिए होगा। दोस्तों दूसरी जो खबर है वो है कॉक्स एंड किंग्स प्रमोटर से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि जो इनकी प्रमोटर है पीटर कार्कर, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी डिपार्टमेंट ने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है क्योंकि इनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है चल रहा है। मैंने बोला ना, दोनों हाथ फैला के जो है हर किसी को लोन दिया गया है और एक एक करके जो है सबके नाम भी सामने आ रहे हैं और सबको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पैसे हैं वो तकरीबन तकरीबन जो ड्यू है वो है 3642 करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम जो है उसका घोटाला किया गया है यस बैंक के साथ में। और इसी के चलते जो है दोस्तों ये जो पीटर है इसको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही में 10 डेज के लिए इनको रिमांड में भी लिया गया है, इस चीज का पता लगाने के लिए इन सब चीज के पीछे क्या यही मास्टर माइंड था। आप देख सकते हो। आप समझ के चलिए, अगर आप जानते हैं कि यस बैंक का मार्केट कैप क्या है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर यस बैंक जो है एक लार्ज कैप बैंक है, राइट, और इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 35,357 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसमें से अगर मैं केवल एक ही बात करूं, मतलब ये कि अगर केवल मैं ये कॉक्स एंड किंग्स की ही बात करूं तो इनके ही तकरीबन तकरीबन 3642 करोड़ डिफॉल्ट है, मतलब 10% आप बोल सकते हो कि केवल केवल आपके सामने ही। और अगर मैं बात करूं इसके पहले वाले न्यूज की तो वहां पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इनको मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 3% तो यही है। इस तरीके से कितने लोन जो है वो डिफॉल्ट है, अगर ये सब रिकवरी हो जाती है तो कितना अच्छा एक लिक्विडिटी आ जाएगी यस बैंक के अंदर, आप समझ सकते हो। हालांकि हालांकि दोस्तों दूसरी न्यूज मैंने आपको बता दी है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और डेफिनेटली अगर ये पैसे रिकवर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी यस बैंक के लिए। और इसके कारण भी मंगलवार के दिन मतलब ट्यूजडे को एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमको यस बैंक में दिखाई दे सकती है। दोस्तों तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरी जो खबर है वो है डिलीवरी से रिलेटेड। अगर आप इसके सिक्योरिटी वाइज आर्काइव में आओगे, किस तरीके से जाना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और आप अगर यहाँ पर यस बैंक को चूज करोगे और यहाँ से अगर आप इक्विटी चूज कर लेते हो दोस्तों, इक्विटी
EQ का मतलब होता है इक्विटी। देखिए दोस्तों, मैंने गेट डाटा में क्लिक किया तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ये लास्ट ट्रेडिंग डे का जो है डेटा दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 27 नवंबर को, वो थी तकरीबन 1,09,51,61,000 से भी ज्यादा। दोस्तों इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हुई है कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उसके बाद इसमें से जो डिलीवरी उठाई गई है उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो तकरीबन 78,70,00,000 से भी दोस्तों ज्यादा की क्वांटिटी है। तकरीबन ये 71% से भी ऊपर होता है। तो आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उठाई गई है। डिलीवरी में भी काफी लोगों ने यहाँ पर इसको लिया है। तो दोस्तों इस चीज का इफेक्ट भी जो है हमें ट्यूजडे को दिखने वाला है, और डेफिनेटली हमको यहाँ पर एक काफी ही अच्छी पॉजिटिविटी यस बैंक में दिखाई दे सकती है। हालांकि दोस्तों हमको एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, और वो क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपके सामने यस बैंक का चार्ट ओपन है, और यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो है यस बैंक एक इस लेवल पर आकर रेजिस्टेंस ले रहा है, और अगर आप देखो ध्यान से तो उसका जो हाईएस्ट कैंडल है वो तकरीबन 14.90 रुपए के आसपास आके बन रही है। मतलब 15 रुपए का जो एक लेवल है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हमको कहीं ना कहीं पर तब तक वेट करना चाहिए। मतलब ये मेरा कहने का है कि जैसे ही ट्यूजडे के दिन मार्केट ओपन होता है तो ब्लाइंडली इसको बाय ना करके हमने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इसको वॉच करना चाहिए, और जैसे ही 15 रुपए का एक लेवल को क्रॉस कर दे उसके बाद ही हमको यहाँ पर जाके बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट जितनी भी यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद में एक रेजिस्टेंस मेंटेन कर रही है, और वो रेजिस्टेंस है 14.90 रुपए से 95 रुपए से। 15 रुपए का लेवल तो टच भी नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर 15 रुपए का लेवल टच करके ये ऊपर जाता है, क्रॉस करता है, तो फिर हमें एक और, जैसे आपको यहाँ पर एक बड़ी उछाल दिखाई दी है, तकरीबन आप बोल सकते हो कि 12 रुपए के लेवल से 14 रुपए के लेवल तक ये गया है, वैसे ही 15 से फिर ये एक और ऊपर लेवल पर हमको जाता हुआ नजर आएगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आपको क्या सोच है यस बैंक के बारे में, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को, जो कि मैंने एकदम फ्री में आपके लिए बनाया हुआ है, जहां पर मैं आपको स्कैनिंग सिखाने वाला हूं, किस तरीके से आप स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, साथ ही में एक्सेल शीट भी देने वाला हूँ, और बेसिक तो रहेगा ही। इन सारी चीजों के लिए जो है आपको करना क्या है, आपको बस डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। इन दोनों में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, इन दोनों लिंक्स में से कहीं पर भी जाकर आपको अकाउंट ओपन करवा लेना है, और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है TFS। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मेरे कोर्स के बारे में कि आप कैसे उसको देख सकते हो, ये पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो फ्री में ले सकते हो। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।